नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बहुत शिद्दत के साथ जुड़ गए होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण बैंक की वैकेंसी जारी की जा चुकी है। जी हाँ, कैलेंडर जारी किया जा चुका है। एग्जाम कब होने वाला है? एग्जाम आपका 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। 3 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक जो कि ग्रामीण बैंक के क्लर्क और ग्रामीण बैंक के पीओ का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका स्केल 2 यानी कि स्केल 2 और स्केल 3 का एग्जाम होगा। देन आफ्टर आपके मेंस के एग्जाम होंगे, यानी कि 29 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे मेंस वाले। अब बात ये आती है कि आज अप्रैल शुरू हो चुका है। अब अप्रैल शुरू हो चुका है तो हमारे पास समय कितने हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हार्डली 4 महीने बचे हुए। अब इस 4 महीने में हम लोग क्या कमाल करने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर मुझे ये बताएं कि इस 4 महीने में हम किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। दूसरा, सर हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। थर्ड, कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए। चौथा, कि सर हमारे एग्जाम के आते आते तक मान लीजिए हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तब क्या हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में उपज रहे होंगे और ये आज हम लोग आपके दिमाग के जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे कीड़ों को समाप्त करने वाले। जी हाँ, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बता देते हैं कि आज का सेशन कुछ इसी के ऊपर है कि ग्रामीण बैंक की कैलेंडर जारी किया जा चुका है। 4 महीने बचे हैं, इस 4 महीने में आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं उनसे भी बोल रहा हूँ जो फ्रेशर्स है यानी कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी बोल रहा हूँ जो रिपीटर्स है यानी कि 1 साल या 2 साल एग्जाम दे चुके। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके दोस्त, मित्र, यार तक जरूर पहुंचने चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, या उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो पेरेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, या अपने भाई बहनों तक जरूर ये मैसेज दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जो ग्रामीण बैंक का एग्जाम है उसमें हम लोग के पास समय कितना बचा हुआ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग एक एक स्टेप पे हम लोग कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर कवर करेंगे जिससे कि आप आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। पहला कि ग्रामीण बैंक एग्जाम यानी कि आरआरबी है, टारगेट हम लोग ये अपने आप में दिमाग में बैठा लीजिए कि 2024 को हम लोग का एग्जाम होना है और इस 2024 के एग्जाम में जो कैलेंडर है ना उस कैलेंडर को प्रॉपर तरीके से हम लोग इस 2024 के प्रॉपर तरीके से कैलेंडर को हम लोग याद रखें। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 अगस्त 2024 को हमारा एग्जाम शुरू हो रहा है। पहला, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप बेसिक तौर पर किस तरीके की समय सारणी बनाए जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट अपने आप को देखें तो हम सबसे पहले ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को हम अपनी कैटेगरी वाइज, आवर्स वाइज डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्री है और मेंस है, ठीक है, तो 2 पार्ट है, इस 2 पार्ट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि आप एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप कवर करते चलेंगे। अगर हम लोग प्री की बात करें तो प्री में आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको टैकल करने हैं वो सारे सिलेबस कवर करने हैं। दूसरा, ये आपको मालूम है कि मेंस में आपके कौन कौन से आएंगे, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी आएगा, इंग्लिश देना चाहे तो इंग्लिश दे दें, हिंदी देना चाहे तो हिंदी दे दें, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, इसके बाद आपका कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपके इक्वल इक्वल डिविजन है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन
40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स आपके कुछ इस तरीके से बटे हैं, 50 50, ठीक है, 40 20 और 40। इस तरीके से अगर देखें तो यहां पे आपके 50 50 100, ठीक है, 40 40 80 और 100, तो टोटल 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, इस तरीके से डिवीजन है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो डिवीजन है, क्या हम लोग इस पर फोकस सबसे ज्यादा कर रहे हैं या इस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करें तो आपकी 80-90% तैयारी प्री की ऑलरेडी हो जा रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस मैथ्स और रीजनिंग प्री से यहीं से कवर कर लेंगे। क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि पहले प्री निकाल लें, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मेंस निकालेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, हमारी टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे एक टाइम टेबल, अगर हम आपकी जगह होते हैं और हमको तैयारी करना है तो सबसे पहले हमको एक टाइम अलॉट करना है कि हमको आज के दिन पे या आज से यानी कि अप्रैल से पूरी तैयारी करने के लिए कितने आवर्स पढ़ने। तो हमारे पास टोटल 24 घंटे बचे हैं, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इस 24 घंटे में हम कितना अपना आवर्स सेट कर ले जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सके, ठीक। अगर हम लोग कोचिंग ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो उसका एक समय अलग बनेगा और सेल्फ स्टडी का अलग बनेगा, इसको याद रखिएगा। आप सेल्फ स्टडी और उसको इंक्लूड मत कीजिएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, एक तो यहाँ पे कोचिंग जिसमें हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में ही हम लोग प्रिफर करेंगे क्योंकि इससे जल्दी जल्दी आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले, दूसरा आपका यहाँ पे सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी हो गया और ऑनलाइन क्लासेस हो गई। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कितनी क्लासेस ले रहे हैं, जैसे अगर हम लोग देखें तो आप कहेंगे कि सर सुबह से लेकर शाम तक तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जी हाँ ये बात सही है, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सबसे वीक पॉइंट है उसकी क्लासेस ले, जो आपकी सबसे कमजोर वाली स्थिति है उसकी क्लासेस ले, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका एक पॉइंट एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उसकी भी आप और तैयारी करने के लिए क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, आप उसको रिकॉर्डेड वे में भी ले सकते हैं क्लासेस, जिससे कि आपका समय बचेगा। तो दूसरा सेल्फ स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ स्टडी में आज की डेट पे कम से कम आपको 8 घंटे निकालने चाहिए खुद पर। आप कहेंगे कि सर 8 घंटे और प्लस ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेगा, मैनेज तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर अभी से आप समय सारणी और टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपसे सिलेक्शन बहुत दूर होता चला जाएगा। तो सेल्फ स्टडी से कम मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है, मिनिमम 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में बताना है। अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं हो गया कि किताब खोल के बैठ गए और आप स्टॉप वॉच चला रहे हैं और स्टॉप वॉच चलाते समय आप बैठ के पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई करने का मतलब पढ़ाई, अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं टॉयलेट जा रहे हैं तो उस वक्त तुरंत आप अपने स्टॉप वॉच को बंद कर दें क्योंकि वो इंक्लूडेड होगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वो आपको लगेगा कि हमने उतना पढ़ाई किया जबकि आपने उस देर में आपने पढ़ाई नहीं किया। जी हाँ, हम लोग ऐसे ही अपने ऊपर अप्लाई करते थे कि जितने देर हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे स्टॉप वॉच चलाते थे और स्टॉप वॉच में हम लोग काउंट करते थे कि कितने घंटे हम लोग एक दिन में एकदम क्वालिटी वाला सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और यहीं से आपका जो रेशियो होता है, कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, वो एकाग्रता होती है, धीरे धीरे पढ़नी शुरू हो जाती है। आपको पोथा पोथा लेके, जरूरी नहीं कि पोथा पोथा लेके दुनिया भर की चीजें बैठ के पढ़ाई करें, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कितने घंटे आप अपने पर दे रहे हैं समय, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन का रेशियो बढ़ना शुरू हो जाता है। जी हाँ, सिलेक्शन का रेशियो आपका इसी समय से बढ़ना शुरू हो जाता है कि जब आप कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन करने के बाद आप अपना समय कहाँ पे निकाल रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हैं। भूल जाइए दीन दुनिया को, भूल जाइए स्मार्टफोन को, भूल जाइए अपने फोन को, भूल जाइए अपने परिवार को, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने अपने फैमिली से कहिए कि ये 4 महीने 6 महीने मुझे अपने लिए दे दीजिए, जितना भी काम कराना आप दूसरे से करा लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।
हाँ, जो बच्चे काम मतलब जिनके ऊपर घरेलू कार्य का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से रिक्वेस्ट करें कि 4-6 महीने आप अफोर्ड कर लीजिए, हमको मुझे एक कमरे में अपने आप को बंद करना है और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है। अगर ये पागलों वाली स्थिति होती है जब आप दिन रात सोचना शुरू करते हैं अपने सिलेक्शन के बारे में, हर समय आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बैंक के एग्जाम और बैंक की सीट दिखती है, हर समय आपको पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ग्रामीण बैंक की कोई एक सीट दिखनी शुरू हो जाती है। आपको मतलब कहते हैं ना कि वो वाली स्थिति होनी चाहिए जब आपको पानी के अंदर डुबा दिया जाए और आप एक कतरा ऑक्सीजन के लिए तरस जाएं, छटपटाते हैं ना जब आपको एक क्या कहते हैं पानी के अंदर डुबा दिया जाता है, उतनी छटपटाहट अगर आप में है, मतलब एक ऑक्सीजन पाने वाली छटपटाहट अगर आपके अंदर है, उतनी छटपटाहट आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। मतलब एकदम अंदर से बेचैन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप बेचैन हो रहे हैं, अरे हमको अंदर से घबराहट हो रही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अरे मैं घबरा रहा हूँ, मुझे अंदर, एक रॉक स्टार नाम की मूवी आई थी रणबीर कपूर की, याद है? तो उसमें जो कैंटीन वाला होता है रणबीर कपूर से बोलता है कि तुम्हारे अंदर की अंदर से इच्छा होनी चाहिए, अंदर से शिद्दत होनी चाहिए, दिल से प्यार निकलना चाहिए। तो जब वो प्रपोज करने जाता है अपनी एक्ट्रेस को, अपनी हीरोइन को, तो वो तो ऊपरी ऊपरी प्रपोज करता है। जब प्रपोज करने के बाद कैंटीन वाले के पास आता है तो वो कहता है कि क्या तुमको मालूम है कि मैं अभी प्रपोज करके आ रहा हूं, और समोसे और चटनी मंगवाता है। तो बात समझ रहे हो कि वहां पे शिद्दत, वो कैंटीन वाला कहता है कि अरे तुम तो बड़े छोटे आदमी हो, मतलब तुम्हारे अंदर की प्यार जागृत हो रहा है और तुम समोसा और चटनी की लड़ाई कर रहे हो। तो बात आदमी यहाँ पे कही जा रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, और लक्ष्य जो होता है ना वो एक होता है। अर्जुन को जिस तरीके से मछली की आंख दिख रही थी और वो उसने निशाना साधा और एकदम सटीक निशाना लगा था, ठीक उसी तरीके से आपको भी वही, कुछ इधर नहीं कुछ उधर नहीं, लेफ्ट नहीं राइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान, फोकस, एकाग्र, निष्ठावान, इस तरीके से आप क्लासेस लेंगे तभी आपका, कहते हैं ना कि सिलेक्शन हो पाएगा। सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है, और जितने भी सफल बच्चे मिलेंगे आप उनसे पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपका एक अलग निखार लाएगा। अब बात करते हैं कि चलिए हमने सेल्फ स्टडी 8 घंटे तो पढ़ लिए, अब 8 घंटे में सर हम टाइम टेबल कैसे बनाएं? चलिए ये तो बात भी अच्छी बात है कि सर हमने 8 घंटे, चलिए आपके कहने पे मैंने 8 घंटे का शेड्यूल तैयार कर लिया, अब 8 घंटे के शेड्यूल में हम क्या बनाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए हम लोग 8 घंटे का एक शेड्यूल बनाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? इसमें से हमने 1 या 1.5 घंटे किसको दे दिया? मैथमेटिक्स को दे दिया, ठीक है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ये दोनों करना है। अब इसमें आपने क्या किया कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये टारगेट बनाया कि आज आज भर में हमको परसेंटेज का पूरा चैप्टर खत्म करना है। जी हाँ, परसेंटेज ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं परसेंटेज को समाप्त करना है, और क्या करना है, परसेंटेज से रिलेटेड पीवाईक्यूज या पिछले साल के क्वेश्चन को लगाना है। पहला, इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि आपको एक पता चलना शुरू हो जाएगा कि परसेंटेज से रिलेटेड पिछले साल में क्वेश्चन जो आया था मैं इस साल बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर ले रहा हूं, ठीक है? और इस 1.5 घंटे में आप मैक्सिमम परसेंटेज के क्वेश्चन, यानी कि 60 मिनट, 90 मिनट है, तो इस 90 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन टैकल किए, तो कम से कम परसेंटेज के क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन आपको टैकल करने चाहिए। जी हाँ, हर एक दिन एक चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि यार देखो मैंने परसेंटेज के पिछले साल के क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, और ये आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना शुरू करेगा, ठीक? उसी तरीके से आपने ये क्या किया, 1.5 घंटे निकाला रीजनिंग के लिए, ठीक है? जो भी कमजोर पोर्शन है उसको उठाओ
कॉन्सेप्ट पढ़ो और लगाना शुरू करो। ज्यादातर बच्चों को क्या करते हैं कि उनको सबसे ज्यादा समस्या आती है पजल में। तो पजल कोई तरीका नहीं है बिना प्रैक्टिस के। पजल का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अपने दिमाग की तीव्रता जितना तेज बनाएंगे उतने ही तेजी से आप पजल को सॉल्व कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने का। कोई इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई किसी भी प्रकार का ट्रिक नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की जो पेच है ना उसको खोलने का एक तरीका है पजल। आप पजल अपना ट्रिक अपने तरीके से बनाइए, दूसरे का ट्रिक दूसरे तरीके से चलता है। आप देखेंगे 100 बच्चे मिलेंगे, 100 टीचर मिलेंगे, 100 टीचर का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग तरीके होते हैं बताने के। लेकिन जो आपका खुद का तरीका होगा वही एग्जाम में सिलेक्शन दिला पाएगा और वही एग्जाम में आप फास्ट तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पजल ये हो गया आपका। तो इसमें भी आपने टारगेट बना लिया कि 1.5 घंटे में कम से कम 5 पजल हमको करने हैं। तो 5 25 25 क्वेश्चन हो गया, एक पजल में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 25 25, तो 25 क्वेश्चन आपने यहाँ पे टैकल कर लिया। या आप क्या और भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 10 10 पजल सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.5 घंटे में रोज 10 पजल आपको सॉल्व करने हैं इस तरीके से आपने। अब एक पजल आपका हो गया, फिर उसके बाद मशीन इनपुट, फिर सिलॉगिज्म, फिर कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से चैप्टर वाइज आप कवर करना शुरू कर दीजिए। अब आता है यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे 1 घंटे अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी पढ़ लीजिए। यहाँ पे 1 घंटा रोज निकालिए और ज्यादा बेहतर होगा आप इसको प्रैक्टिस के जरिए निकालें, यानी कि जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरिटिकल जो होता है ना, थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब आप पिछले साल के प्रैक्टिस निकाल के सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसा करंट अफेयर्स वाला तो पोर्शन होता नहीं है कि हाँ हम आज का आज ही पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप पिछले साल के क्वेश्चंस को, पिछले साल के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं। मार्केट में जाए, बहुत सारी किताबें हैं, किरण पब्लिकेशन की पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। किरण पब्लिकेशन एक बेस्ट माना जाता है और साथ ही साथ उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो अच्छे पब्लिकेशन की बुक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, कोई आपको बताएगा नहीं, सभी फैकल्टीज अपने अपने बुक के बारे में बताते हैं, सभी फैकल्टीज अपनी पीडीएफ के बारे में बताते हैं, सभी फैकल्टीज अपनी ई बुक के बारे में बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाएं मार्केट में, किरण पब्लिकेशन का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा लें और वहां से सॉल्व करना शुरू कर दें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि पिछले साल के 10 साल का पेपर उठाएं और सॉल्व करना शुरू कर दें। इससे आपको एक लेवल पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप अभी किस लेवल पर हैं और किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, 1 घंटे आपने हिंदी उठा ली, 1 घंटे अंग्रेजी उठा ली, 3 3 4 घंटे हो गए। अब बात करते हैं आपके कितने बचे, 6 घंटे बच गए। 1 घंटा आपने करंट अफेयर्स में निकाल लिया, क्योंकि मैं रोज सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता ही हूँ, बस उसका रिविजन करना होता है। तो आप उसको करंट अफेयर्स का रिविजन कर लीजिए, करंट अफेयर्स का रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और 1 घंटा, आधा घंटा आपने कंप्यूटर पे निकाल लिया, आधा घंटा कंप्यूटर पे निकाल लिया या 1 घंटा कंप्यूटर पे निकाल लिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अभी तक अपनी पढ़ाई पर 1.5 डेढ़ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे और 6 घंटे, 6 घंटे आपने सेल्फ स्टडी पर दे दिया। इंडिविजुअली आप तैयारी करते चले गए और जो आपको रोज क्लासेस मिल रही इसके अलावा की बात कर रहे हैं, यानी कि जो डेली रोज क्लासेस हो रही है उसके अलावा आपको 8 घंटे ऐसे पढ़ने। तो 1.5 डेढ़ 3 4 5 6, अब बच गए आपके 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, इस बचे हुए 2 घंटे में आपको मेंस के पेपर या प्री के पेपर सॉल्व करने, प्री या मेंस का मॉक टेस्ट तैयार करना है, मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, आप स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पर जाइए, स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल रहा है। और आपको ज्यादा मॉक टेस्ट चाहिए तो 159 रुपए में, 159 रुपीज में 50 से भी ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, 50 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि प्री और प्लस मेंस है। तो स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पे जाएं, वहां पे 159 रुपए में 50 टेस्ट,
या आपको हर हफ्ते एक टेस्ट मिल रहा होगा, हर हफ्ते वीकली टेस्ट आप सॉल्व करना शुरू कर दें। इस 2 घंटे में आपको यही करना है। अगर 1 घंटे है प्री का दे रहे तो 1 घंटे टेस्ट दें और 1 घंटे देखें कि कितना गलत कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं। ये रोज का रूटीन होना चाहिए अभी से। और एट द एंड ऑफ एग्जाम, आपके एग्जाम के अंत पे जब आप देखेंगे कि आपने पिछले कितने 120 दिन में कितनी चीजें कंप्लीट कर दी, लगभग 120 दिन बचे हैं, तो 100 डेज मान के चलिए, तो 100 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, 100 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स मतलब आपने कितना किया 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे हो गए तो 100 दिन में कितने हो गए भाई 800 घंटे हो गए। आपने 800 घंटे बैठ के प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात बता रहे, जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। आप अपने समय को बचाना शुरू कीजिए, यही एक बुद्धिमान बच्चे की कहानी होती है। जो सफल एस्पिरेंट होते हैं, जो सक्सेस करते हैं जल्दी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फलसफा होता है। फलसफा क्या होता है कि वो अपने समय को बहुत ही ईमानदारी से मैनेज करते हैं। और एग्जाम में भी वही चीज होता है, जिसने टाइम को मैनेज कर लिया वही विन विन वाली सिचुएशन में आता है। यानी कि एग्जाम में आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने समय को मैनेज कर लिया और आप जीत गए, क्योंकि तैयारी तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, लाखों में से हजारों बच्चे कर रहे हैं, हजारों में से भी एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, छट रहे हैं, और उस छटने वाली स्थिति में आप सुपीरियर होंगे, आप अपने आप को सुपरमैन या सुपरवुमन का दर्जा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दिया। और यही एक इनिशियल फेज होता है जब आप अपने टाइम को मैनेज करना शुरू करते हैं, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट समय होता है सेल्फ स्टडी। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं इस क्लास को कब से पढूं, इस क्लास को क्या करूं, इस क्लास के लिए क्या करूं। मैं ये कहता हूं कि ये बताओ कि आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए कितना समय दे रहे हो। आप ऑनलाइन यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो, चलो अच्छी बात है, आपने उसको कितने अपने यूट्यूब में डिवाइड किया और अपना अपने लिए कितना डिवाइड किया। तो सेल्फ स्टडी के लिए डेली 8 घंटे अभी देना शुरू कीजिएगा। एग्जाम के अंत तक यानी कि 50 दिन आप ऐसे टारगेट रखिए 100 दिन का, और 50 दिन जैसे ही आ जाए यानी कि 1 महीने बच गए या 1.5 महीने बच गए, तो 1.5 महीने के लास्ट में आपने क्या करना शुरू किया, अपने सेल्फ स्टडी मोड को दुगना कर दिया, यानी कि लगभग 16 घंटे कर दिया। आप देखिए पहली बार में अगर क्वालिफाई ना हो जाए ना तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ, और आप बोलिएगा कि मनीष सर आपने जो बात बोली थी सही बोली थी। 8299647238 ये है मेरा मोबाइल नंबर, और इस मोबाइल नंबर पे आप मेरे से संपर्क कीजिएगा, बोलिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस समय सारणी के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को झोंक रहे, जी हाँ मैं कहूंगा झोंकना, अपने आप को झोंक रहे, तो यही आपकी सफल परीक्षा होगी, यही अग्नि परीक्षा होगी, और यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम सब तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी करने वाले में से आपको उन लोगों से कंपटीशन करना है कि जो ऑलरेडी 2 साल या 3 साल देकर बैठे हुए। इसके अलावा आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना शुरू करेंगे कि नहीं यार मैं तो इससे ज्यादा कर सकता था लेकिन अभी भी मेरा पोटेंशियल कम है। जिस दिन डे बाय डे आप इस तरीके के पोजीशन को समझना शुरू कर देंगे, इस बात को समझना शुरू कर देंगे कि नहीं यार मेरी एफिशिएंसी बहुत कम है अभी और अभी करना है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूं कि पढ़ते पढ़ते वो सोचना शुरू कर देते हैं, सोना शुरू कर देते हैं। भाई अब सोने का वक्त गया, अगर सोना है तो फिर आप 6 महीने 8 महीने बाद सो लीजिएगा, जितना सोना है सो लीजिएगा, लेकिन अभी सोने का वक्त खत्म हो गया है। करंट अफेयर्स आपको बताने का आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं कि सुबह उठना शुरू कर दीजिए, सुबह 6 बजे से करंट अफेयर्स लेना शुरू कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपके जितने भी क्लासेस हैं उसको, जो भी आपका कम वाला मतलब जो आपकी कमजोर पॉइंट है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स हमको याद नहीं होता है तो आप करंट अफेयर्स सुबह के 6 बजे डेली लेना शुरू कर दीजिए, आपको खुद फायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, कई बच्चे हैं इसका उदाहरण है दे रहे हैं और कई बच्चे सेलेक्टेड हैं अभी हाल फिलहाल में, जो अभी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैं था
तो वहां पे बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं, बैंक में सेलेक्टेड हो चुके हैं। अभी जल्दी हम लोग उनका इंटरव्यू भी लेकर आएंगे, उनकी कमियों को जानेंगे कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए, उन्होंने क्या गलती की थी, क्या नहीं गलती की थी, किस तरीके से गलती की थी जिससे कि वो 3 से 4 अटेम्प्ट देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वो गलतियां नहीं दोहरानी। ठीक है, तो दूसरों की गलतियों से सीखिए और अपनी गलतियों को तुरंत रेक्टिफाई कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आप अपने आप को 8 घंटे झोंकना शुरू कीजिए और समय सारणी बनाइए। ये टाइम टेबल बनाएंगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो टाइम टेबल 8 घंटे का, आप जरूरी नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग बना लें, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो मैथ में समय कम दे दें, अगर आपकी मैथ अगर अच्छी है तो मैथ में समय कम दे दें, मैथ अगर आपकी कमजोर है तो मैथ में समय बढ़ा दें, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग में आप अपना समय कम कर सकते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में अपना समय बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश में समय बढ़ा सकते हैं, हिंदी कमजोर है तो हिंदी में समय बढ़ा सकते हैं, करंट अफेयर्स या फिर कंप्यूटर कमजोर है तो उसमें समय बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी बच्चों की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, अपनी अपनी कैलिबर होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। कुछ बच्चों का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन थ्योरेटिकल बहुत कमजोर होता है। कई बच्चे हर साल मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन करंट अफेयर्स कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियों को ढूंढने वाली बात होगी। आप अपनी कमजोरियों को ढूंढिए और वहां से अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि यही एक समय है। क्योंकि अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि अब धीरे 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 कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी फॉर सक्सेसफुल एस्पिरेंट। तो चलो शुरुआत आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आपके लिए समय सारणी का महत्व, टाइम टेबल का महत्व, सेल्फ स्टडी का महत्व कितना है। तो जय हिंद, जय भारत।